हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस लर्निंग चैनल पे PMR स्मार्ट लर्निंग में। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश की टेस्ट नंबर 3 लेके आया हूँ, सेतु अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स की। तो इससे स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है। तो यहाँ पे हमें बिगिनिंग दी गई है, वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय, हीज नेम वॉज दिनेश, ही हैड नो। इतनी हमें बिगिनिंग दी है, और आगे की जो हमें स्टोरी बनानी है वो हमें मन से बनानी है, और इसको एक टाइटल भी देना है। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार बनाई है मैंने, देखिए मैं रीड कर रहा हूँ। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय, हिज नेम वॉज दिनेश, ही हैड नो पेरेंट्स, ही यूज्ड टू बी वेरी सैड, बट ही वॉज वेरी स्मार्ट, लॉयल एंड वेरी हार्ड वर्किंग। ही यूज्ड टू वर्क इन अ स्मॉल गैरेज, वन डे अ पर्सन फॉरगॉट हिज बैग इन द गैरेज, नेक्स्ट डे ही केम इन सर्च ऑफ हिज बैग, दिनेश क्विकली रिटर्न द बैग टू द पर्सन बिकॉज ऑफ दिनेश लॉयल्टी, दैट पर्सन ऑफर्ड हिम अ गुड जॉब, दिनेश एक्सेप्टेड द जॉब एंड वर्क हार्ड एंड बिकम अ गुड सिटीजन। मॉरल, लॉयल्टी ऑलवेज मैटर्स। और इसको हमने टाइटल भी दिया गया है, इसका टाइटल दिया है मैंने लॉयल्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट डाउन वॉट द चिल्ड्रन आर डूइंग। तो इस पिक्चर में हमें यहाँ पे एक गार्डन जैसा पिक्चर दिखाई गई है, तो यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन से वो क्या कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर ये रहेगा, वन पिक्चर, टू बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, अ गर्ल इज ड्राइंग अ पिक्चर, अ बॉय इज सैट डाउन द ट्री एंड रीडिंग अ बुक, अ गर्ल इज स्विंगिंग, अ बॉय इज ऑब्जर्विंग समथिंग विथ बायनोकुलर्स। तो ये है इस पिक्चर का हालचाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ए है, डू एज डायरेक्टेड, आइडेंटिफाई अ कोटेशन एंड इडोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द बिलो सेंटेंस एंड राइट डाउन। पहला है पुल योरसेल्फ टुगेदर, और सेकंड है लिव एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो। तो इसका आंसर होगा ये, फर्स्ट का होगा इडोमेटिक एक्सप्रेशन और सेकेंड का होगा कोटेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर मदर अबाउट मेकिंग टी। तो इसका आंसर ये रहेगा। चलिए दोस्तों, वैसे भी आखिरी टेस्ट है इंग्लिश की, तो इसे थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड पैराफ्रेज द अंडरलाइन वर्ड्स लाइक फ्रेजेस। तो मैं रीड कर रहा हूँ पैसेज। यहाँ पे I like the poem for the very reason that anyone else would like it for its humor. I also like the poem because the poet balances the exaggeration with seemingly convincing logic. तो यहाँ पे जो underline words है जो darken भी किए गए हैं, तो उसकी जगह हमें दूसरे words लिखने हैं same meaning वाले। तो इसका answer ये आएगा। तो पहला जो underline word है उसके जगह पे आएगा ओवर स्टेटमेंट, और दूसरा जो अंडरलाइन वर्ड है कन्विंसिंग उसके जगह पे आए परस्यूसिव। आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है बी, डू एज डायरेक्टेड, फर्स्ट इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल गेट गुड मार्क्स, और सेकेंड है दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकी। तो इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या करना है, नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए अंडरलाइन द सबॉर्डिनेट क्लॉजेस इन बोथ द सेंटेंसेस एंड नेम देम। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार होंगे। पहले का है इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, ये है सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, और सेकंड में विच वेयर येलो एंड क्रिकी है सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथलीड सॉ सम ब्रैकलेट्स। तो इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कुछ ऐसा होगा, सम ब्रैकलेट्स वेयर सीन बाय मैथलीड।
और सेकंड है द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय द राइटर। तो इसमें है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, तो इसका आंसर आएगा राइटर टोल्ड द स्टोरी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, छोटा ही है। स्टूडेंट्स देख लीजिए आगे का क्वेश्चन है थर्ड, शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव होगा टू सिंग, एंड सेकेंड है प्लेइंग वायलिन इज़ द बेस्ट हॉबी। तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको जेरेंड को, अंडरलाइन द जेरेंड बताया गया है, तो इसमें होगा जेरेंड प्लेइंग, तो प्लेइंग को आपको अंडरलाइन कर देना है। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।